हेलो यस अस्सलाम वालेकुम, एंड डिजाइन सेंटर की तरफ से मैं हूं इंजीनियर सिराज। दोस्तों आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे क्रियो ट्यूटोरियल्स चैनल को वॉच किया। तो दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी फौरी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फ्लूट्स की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ये एक पिक्चर आपके सामने है, इस ड्राइंग में जो है वो कुछ डायमेंशन है, जैसे हम देख लेते हैं ये पिच है यहाँ से 110 और थिकनेस इस फ्लूट की रखी हुई है 6 mm और इसका जो डायमीटर जो है वो 98 है और जबकि शाफ्ट का जो है 44 डाया है और इसके आगे से 2 mm का एक चैम्फर लगा हुआ है, बीच में एक होल हुआ है जिसकी जो है कॉर्नर से डिस्टेंस 10 तक है और इसका डाया 6 mm है। तो चले ये एक स्वीप की और एक स्ट्रोक की कमांड है, तो हम इसको बना के और लगा के देखते हैं। तो काम शुरू करते हैं, यहाँ से आप मूव कर लें, मूव करने के बाद अपने एक जो है वो ऑब्जेक्ट का नाम दे दीजिए, ठीक है, हम इसको एक्सरसाइज ही लिख लेते हैं क्योंकि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम उसको एक्सरसाइज नंबर दे देते हैं। एक्सरसाइज नंबर उसको हम 44 दे देते हैं। उसके बाद इसको अनचेक कर लें, यहाँ से ओके कर लें। जैसे कि हम मिलीमीटर न्यूटन सेकंड में काम करते हैं, ये यूनिट्स बेस्ट होते हैं, यहाँ से ओके कर लें। ओके करने के बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन होगी। अब आपने यहाँ से प्लेन सेलेक्ट करना है, यहाँ से भी कर सकते हैं फ्रंट, और उसके बाद फिर आप आ जाएं स्केच पे, स्केच के बाद आप स्केच व्यू में आ जाएं। स्केच व्यू के बाद आपने आना है अपनी वर्किंग के ऊपर। तो अब हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे अपने, यहाँ से आप देख रहे हैं कि हमारे जो डायमेंशंस थी वो हम इसको ज़रा थोड़ा विजिबल कर देते हैं। तो ये वाला हमने सबसे पहले जो है वो सर्कल बना के उसको एक्सट्रूड करना, कितना करना है 44 और एक्सट्रूड आगे जो है वो आप जितना चाहें कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक सर्कल लेते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं सेंटर पे 44 डाया है इसका, यहां से हम इसको ओके कर लेंगे। देन हम इसको थोड़ा सा टिल करके एक्सट्रूड कर लेंगे और एक्सट्रूड जो है वो हम इतना करेंगे 250 कर देते हैं, ओके कर देंगे। अब आपके सामने ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब हम जाएंगे इसकी किसी भी एक प्लेन के ऊपर, सही है, आप इसके फ्रंट प्लेन को ले लें, राइट को ले लें, किसी को भी लेके एक स्केच हमने करना है, वो हम स्केच यहाँ से शुरू कर देते हैं। चूँकि अब हमने स्वीप मारना है, स्वीप के लिए हमें एक रेफरेंस हमें चाहिए होगा, और ये हम रेक्टेंगल यहाँ से ले लेते हैं। ठीक हो गया। अब हम ये करेंगे कि इसकी ये थिकनेस कितनी होनी चाहिए, वो हम इसमें से देख लेते हैं क्या कोई हमें, हाँ ये है 98, तो 98 का हम जो है वो इसको कंसीडर कर लेते हैं। इसको हम एडिट कर लेते हैं यहाँ से लेके, था इसको हम डिवाइड 2 से कर लेंगे।
और इसकी जो थिकनेस है वो थी 6